दोस्तों, सबसे पहले कल गढ़चिरौली में नक्सलियों के कायराना हमले में शहीद हुए हमारे 15 जवानों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, जब भी हम हर बार इस प्रकार की खबर सुनते हैं नक्सलियों के हमले की, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान या फिर वहाँ के जो गरीब आदिवासी होते हैं उनकी मृत्यु होती है, तो हर बार हमारे मन में यही ख्याल आता है कि क्यों हर बार किसी माँ को, किसी पत्नी को, किसी बेटे या बेटी को आंसू बहाने पड़ते हैं। और हम भी जब भी इस प्रकार की खबर आती है, 2 या 3 दिन तक हमें वो याद रहती है, हम थोड़ा बहुत शोक मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं हम भी। लेकिन इस समस्या की जड़ क्या है, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जब तक हम इस समस्या की जड़ को समझेंगे नहीं, इन नक्सलियों को सुरक्षा, इतनी ताकत, इतना बल आखिर मिलता कहाँ से है, ये बातें अगर हम समझेंगे नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या है ये अगर हम समझेंगे नहीं, तो हम कभी भी इस समस्या को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। आपको पता है मैं बहुत कम बार ऐसा कहता हूँ आप सबको वीडियो शेयर करने के लिए, और आज मैं आपको सच में कह रहा हूँ, ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना और इस जानकारी को जितना हो सके युवाओं तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बातें सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम इस समस्या के हल के बारे में चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि भारतीय सेना को नक्सली क्षेत्रों में भेजकर एक बार में ही इन नक्सलियों का खात्मा क्यों नहीं कर दिया जाता। केवल सीआरपीएफ के हमारे जवान और जो पुलिसकर्मी हैं उनके ही ऊपर पूरी की पूरी नक्सली क्षेत्रों की जिम्मेदारी क्यों सौंपी जाती है, जिनके पास में भारतीय सेना के उतने आधुनिक हथियार, उपकरण, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग भी नहीं होती। तो देखिए, मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ तो नहीं हूँ और मुझे इतनी अंदर की सिस्टम की जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, तो उनके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आखिर आप नक्सली किसे कहोगे? क्या केवल जो जंगलों में रहते हैं वही नक्सली है? पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर से या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर मीडिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे राजनेता हैं जो इन नक्सलियों का समर्थन करते हैं, उनका क्या, जिन्हें हम अर्बन नक्सल्स कहते हैं? ऐसे देखा जाए तो इस पूरी आइडियोलॉजी की, इस पूरी विचारधारा की जड़ ही ये लोग हैं। और ये बातें मैं कोई केवल हवा में नहीं कर रहा हूँ। चलिए, कल गढ़चिरौली में ये हमला हुआ तो गढ़चिरौली की बात करते हैं। गढ़चिरौली में कोर्ट ने 2017 में डीयू के प्रोफेसर जीएन साई बाबा और उनके साथ में 3 और लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, और उनके एक और साथी को 10 साल की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि उसकी पहली बार ये गलती थी। लेकिन बाकी जो 4 लोग हैं, इंक्लूडिंग जीएन साई बाबा, डीयू के प्रोफेसर, उनको आजीवन कारावास की सज़ा कोर्ट ने सुनाई थी। उनको दोषी पाया गया था। किस जुर्म में, क्यों उनको ये सज़ा सुनाई गई थी? क्योंकि उनके नक्सली संगठन के साथ में लिंक होने को होना उनके नक्सली संगठन के साथ में कनेक्शंस थे, लिंक्स थे, ये बात साबित हुई थी। और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप उन पर साबित हुआ था। सोचिए, ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स देश की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात क्या है पता है? अगर आप अभी गूगल पर जाकर जीएन साई बाबा ये नाम अगर आप सर्च करोगे, तो आपको उनको ये सज़ा सुनाई गई थी जब कोर्ट ने, वो न्यूज़ लिंक्स तो बहुत, उसके लिंक्स तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आर्टिकल्स आपको फ्रंट पेज पर ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर कई सारे हमारे ही देश के मीडिया हाउसेस ने इन प्रोफेसर्स के लिए सिंपथी पैदा करने वाले आर्टिकल्स लिखे हैं कि भाई उनको किस प्रकार से जेल में तकलीफ़ हो रही है, कैसे उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स की तरफ से किस प्रकार से भारत सरकार को उनको जेल से छुड़वाने के लिए कहा गया है, इस प्रकार के आर्टिकल्स भी आपको स्क्रोल ट्रोल वगैरह वालों के दिख जाएंगे। गूगल पर सर्च कर लीजिए जीएन साई बाबा नाम लिखकर, यानी एक व्यक्ति जिस पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप हो, नक्सली संगठनों के साथ में जिसके कनेक्शन होना साबित हो चुका है, जो विद्यार्थियों को इस प्रकार की विचारधारा की तरफ आगे बढ़ने की बातें यूनिवर्सिटी में सिखाता हो, इस प्रकार की बातें उस पर आरोप साबित हुए हो, उसके लिए सिंपथी पैदा करने वाले आर्टिकल्स आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। तो ये अर्बन नक्सल्स मीडिया में भी है, ये कोई नई बात नहीं है, आप सबको भी ये बातें पता ही है। इसके बाद में अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो देखिए न्यूटन का ही उदाहरण लीजिए, उसका हमारा रिव्यू आप पूरा देख लेना, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उस फिल्म में नक्सलियों को उनके हक के लिए लड़ने वाला बताया गया है, यानी क्रांतिकारी की तरह उनको बताया गया कि भाई जो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और जो हमारी इंडियन आर्मी है वो वहाँ पर उनको, मतलब जो विकास कर रहे हैं उनमें बाधा बने हुए हैं, इंडियन आर्मी वो वहाँ पर आदिवासियों के घर जलाती है वगैरह वगैरह बातें न्यूटन में दिखाई है। सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं न्यूटन फिल्म के मेकर्स पर कोई आरोप नहीं लगा रहा,
फिल्म देखने के बाद में मुझे जो महसूस हुआ वो मैं बस आपको बता रहा हूँ, बाकी सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ भी फिल्मों में दिखा सकता है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाल सलाम वालों के लिए प्रचार करते हैं, चुनाव में कैंपेन वगैरह करते हैं, इस प्रकार की फिल्मों में कुछ ऐसी बातें दिखाते हैं जो एक भारतीय होने के नाते मुझे सही नहीं लगी थी। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो अभी कुछ महीनों पहले ही की बात है, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, बड़े नेता राज बब्बर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा था कि भाई वो क्रांति अपने विकास अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी। और दोबारा जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बयान पर बिल्कुल अडिग हूँ, मैं अपना बयान पीछे नहीं लूँगा, ये बात भी उन्होंने कही थी। तो इस प्रकार से जिन नक्सलियों के हमले में आज तक हजारों हजारों हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने बलिदान दिया है इन नक्सलियों के हमलों की वजह से, उनके लिए सिंपथी पैदा करने वाले लोग इस सिस्टम के हर एक जगह पर बैठे हुए हैं। और जिन लोगों ने मी टू अर्बन नक्सल ये प्लेकार्ड से तख्तियाँ हाथ में लेकर फोटो खींचे थे ना, ऐसे सब लोग, और जो इस प्रकार से नक्सलियों के लिए सिंपथी पैदा करते हैं ना, ऐसे सब लोग उन जवानों की बलिदान का अपमान करते हैं। ये लोग भी कहीं ना कहीं हमारे जवानों के बलिदान के लिए जिम्मेदार है। अब दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा झूठ जो आजकल के नौजवानों को, युवा पीढ़ी को बताया जाता है ना, वो ये बताया जाता है इन अर्बन नक्सल्स के द्वारा कि भाई ये नक्सली अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या सच में ये नक्सली अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? क्या सच में ये लोग बिजली, पानी, सड़क, इन सारी बातों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ युवा पीढ़ी को पढ़ाया जाता है ताकि वो नक्सलियों के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, ताकि इन नक्सलियों का विरोध ना हो, इन नक्सलियों के प्रति सिंपथी पैदा करने के लिए इस प्रकार का झूठ फैलाया जाता है, और ये हमारे जवानों के बलिदान का सबसे बड़ा अपमान है। देखिए, अभी 2 साल पहले ही सुकुमा में हमला हुआ था जब हमारे 23 जवान शहीद हुए थे, आपको अभी भी वो दिन याद होगा अच्छे से। वो हमला क्यों हुआ था आपको पता है? वहाँ पर वो जवान रोड वर्कर्स की सुरक्षा कर रहे थे। बताइए, ये लोग कहते हैं कि भाई नक्सलियों को रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, भाई सरकार वहाँ पर रोड बना रही है, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर देना चाहती है सरकार, पर ये नक्सली जो रोड वर्कर्स की सुरक्षा करने वाले जवान हैं उन पर हमला करते हैं जिसमें हमारे जवान शहीद होते हैं। इसके अलावा 23 जनवरी 2017 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इन नक्सलियों ने रोड कंस्ट्रक्शन के काम में जुटी हुई 15 गाड़ियों और मशीन्स को जला दिया था। बताइए, और ये अर्बन नक्सल्स कहते हैं कि भाई नक्सली तो बिजली, पानी और सड़क के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, इन नक्सलियों ने जो अपना साम्राज्य इस नक्सली क्षेत्र में खड़ा किया है उस साम्राज्य को ये नक्सली खोना नहीं चाहते। अगर इन आदिवासियों के पास में मूलभूत सुविधाएं पहुंच गई, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सारी मूलभूत सुविधाएं अगर इन आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच गई, उनका पूरा विकास हो गया, तो भाई इन नक्सलियों का साम्राज्य तो खत्म हो जाएगा ना। ये लोग जो इस प्रकार से आदिवासियों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, अगर कोई लाल सलाम नहीं कहे, उनको साथ नहीं दे तो उनको मार दिया जाता है, इस प्रकार के उन्होंने जो ये साम्राज्य खड़ा किया है खून के द्वारा, खून की राजनीति के द्वारा, बंदूकों के द्वारा, विकास के बाद में वो साम्राज्य खत्म हो जाएगा वहाँ पर। और ये नक्सली बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस प्रकार से उनका ये साम्राज्य खत्म हो। तो अर्बन नक्सल्स के द्वारा ये बात जो बताई जाती है ना कि भाई ये नक्सली बिजली, पानी और सड़क आदि के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए वो बंदूक हाथ में लेते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। हजारों हजारों जवानों की उन्होंने जान ली है, और केवल जवानों की नहीं, मैं आपको और कुछ खबरें सुनाता हूँ। शिल्दा कैंप अटैक में 2010 में 24 जवानों को नक्सलियों ने मारा था। उसके बाद में 2010 में ही बिहार के जमुई में 25 आदिवासियों के घरों को जलाया गया था, आदिवासियों के घरों को जलाया गया था, और 12 गरीब गांव वालों को उन्होंने मार डाला था इन्हीं नक्सलियों ने। तो अगर इनको आदिवासियों के हक के लिए नक्सली लड़ रहे होते, अगर इनको सच में मूलभूत सुविधाएं उन क्षेत्रों में चाहिए होती, तो भाई ये आदिवासियों के घर को क्यों जलाते, क्यों 12 आदिवासियों को वो मारते? 2010 में ही अप्रैल में 11 पुलिस वालों को इन नक्सलियों ने मारा था। इसके बाद में दंतेवाड़ा में 76 जवान हमारे शहीद हुए थे, जो कि बहुत, जिसके बाद में जीवन में कुछ लोगों ने जश्न भी मनाया था। उसी साल, उसके बाद में दंतेवाड़ा में ही बस बॉम्बिंग हुई थी इन्हीं नक्सलियों के द्वारा, जिसमें 44 पुलिसकर्मी और नागरिकों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, ऐसी अनगिनत घटनाएं आज तक हमने सुनी है, तो मैंने बस कुछ बहुत ही उंगलियों पर गिनी इतनी घटनाएं सुनाई है। इन नक्सलियों के हमले में हजारों हजारों हमारे जवानों की, पुलिसकर्मियों की और
वहाँ के गरीब आदिवासियों की जाने गई है, और ये लोग बस अपना साम्राज्य बचाना चाहते हैं। इन्हें कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए, उन्हें वो मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो क्रांतिकारी है, ऐसा कहना हमारी जवानों की शहादत का, उनके बलिदान का सबसे बड़ा अपमान है, सबसे बड़ा अपमान है। ये पूरा राजनीति का खेल है, पैसों का खेल है, बस इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब आप कहेंगे मैंने समस्या तो बता दी, पर आखिर इस समस्या का हल क्या है? तो इसके सोल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो के पार्ट टू में बात करने वाले हैं, और वो वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है, उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। थोड़ी देर में मैं पार्ट टू को भी अपलोड करने वाला हूँ हमारे ही चैनल पर। उसमें हम भारतीय सेना को भारत सरकार नक्सली इलाकों में भेजकर एक बार में ही इस समस्या को ख़त्म क्यों नहीं कर देती, इन जैसे अनेकों बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट टू में।